वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और हम आपको बताएंगे आज हम म्यूजिक के हवाले से बात करने वाले हैं, और म्यूजिक और मूड का कितना ताल्लुक होता है आपस में ये हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ उसके लिए मौजूद होंगे एक जो है सिंगर एजी अली और इसके साथ साथ यास्मीन बट होंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। दोनों को वेलकम करेंगे। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यास्मीन। म्यूजिक और मूड, कितना गहरा ताल्लुक है? आई थिंक बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। अमेरिकन म्यूजिक एसोसिएशन इसके ऊपर काफ़ी सालों से रिसर्च कर रही है, एंड इट्स प्रूवन थ्रू रिसर्च कि हमारे मूड के ऊपर म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा असर होता है। लेकिन कॉमनली जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसका यकीनन अच्छा ही असर होता होगा। वी डोंट नोटिस कि इसके बुरे असरात भी हो सकते हैं। पीपल हु आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन ट्रॉमा और अ लॉस, अगर वो सैड सॉन्ग ज़्यादा सुनते हैं तो उनके ट्रॉमा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इवन इफ दे आर सीकिंग काउंसलिंग, इवन इफ दे आर टेकिंग मेडिकेशन, लेकिन अगर जो है वो सैड म्यूजिक सुन रहे हैं तो उनका लॉस का जो टाइम पीरियड है वो लंबा हो जाता है, ठीक है। एट द सेम टाइम जो लोग एग्रेसिव म्यूजिक थोड़ा सा सुनते हैं उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा भर जाता है। सो ऐसे बच्चे जो एग्रेसिव गेम्स खेलते हैं या एग्रेसिव म्यूजिक सुनते हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर लोग ऊंचा ऊंचा म्यूजिक लगा के बहुत बुरे तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं, बड़े एग्रेसिव तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं। सो अगर आप वही उनका म्यूजिक बंद कर दें तो उनसे वो गाड़ी भी नहीं चलती है, ठीक है। सो म्यूजिक का हमारे मूड के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, इवन हमारे मोटर स्किल्स के ऊपर, हम हाथ पाँव कैसे हिलाते हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। द सेम वे यू विल नोटिस कि व्हेन पीपल आर डांसिंग, तो अगर आप तेज म्यूजिक लगाएंगे तो एक छोटा सा जो बच्चा होता है 3 साल का, वो फौरन तेज डांस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे उसकी बीट होती है, सम हाउ हमारा जो तो बेसिकली हमारा जो हेयरिंग सेंटर होता है वो, और हमारा जो इमोशनल सेंटर होता है और उसके साथ मेमोरी सेंटर होती है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो इमीडिएटली क्या होगा कि जैसे ही कोई म्यूजिक लगेगा तो हमारी जो मोटर स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली मूव करना शुरू कर देंगे। सो ये एक म्यूजिक का इफेक्ट होता अच्छा, है। अच्छा यास्मीन, सबसे हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि जब हम बहुत ज्यादा डाउन हो, जैसे मैंने बताया कि जो हमारा हेयरिंग सेंटर होता है और जो हमारा इमोशनल सेंटर होता है जहाँ से इमोशन के सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, वापस उधर जुड़े हुए होते हैं। सो एनीथिंग दैट यू हियर यू इमीडिएटली एसोसिएट विद इमोशंस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कॉम्प्लीमेंट देगा यू विल इमीडिएटली फील बेटर, ठीक है। बाकी सारे एक्ट्स को हम उतनी जल्दी इमोशनली जो है वो नहीं उतना एकदम से प्रोसेस करते हैं, राइट, विच इज व्हाई वो कहते हैं ना कि किसी के कहे हुए लव्स जो होते हैं वो आपके लिए यू नो सारी जिंदगी आपके दिमाग में रह जाते हैं। या सुन के अक्सर लोग रोना शुरू कर देते हैं, कोई न्यूज सुन के अगर आपके सामने हो रहे तो शायद आप इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं देंगे, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो जो भी चीज़ आप सुनते हैं, सो म्यूजिक जो है यू नो उसके इसलिए इफेक्ट ज्यादा होते हैं बिकॉज यू आर हियरिंग इट एक्चुअली। अच्छा म्यूजिक के लिए थेरेपीज भी होती हैं बहुत सारी, क्या आप म्यूजिक थेरेपी क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हो तो तुम रिकमेंड भी करती हो कि किस तरह की थेरेपीज होती है? अच्छा म्यूजिक की थेरेपीज जो अमेरिकन म्यूजिक थेरेपी ने जिन 3 चीज़ों के ऊपर काम किया और जिनको हम भी फॉलो करते हैं, उसमें एक तो इट्स मैनेजिंग स्ट्रेस, 3 इज एलिवेटिंग पेन और एलिमिनेटिंग पेन, द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया इज टू इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है, राइट। आई थिंक मेमोरी इंटरनेशनली इसके बारे में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि कैसे आप अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे आप इम्प्रूव करें। सो यू माइट हैव नोटिस के जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है या जो लिरिकलेस म्यूजिक जो होता है वो अगर आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करके सुने, लाइक अगर आप रोजाना 10 मिनट की मेडिटेशन करते हैं जिसमें आप कोई एक लिरिकलेस म्यूजिक लगा लें, ठीक है, खाली बस वो एक टोन हो, और अगर आप उसके ऊपर फोकस करें तो आप ऐसा ऐसा नोटिस करेंगे विद इन 21 डेज आपकी मेमोरी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, आपका फोकस इंक्रीज हो जाएगा, बेसिकली की माइंडफुलनेस इंक्रीज हो जाएगी इन अ वे कि जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है ना, जैसे मैंने यहाँ ये गुलदान पड़े हुए देखा या कुछ देखा और मैं बाद में जाऊँगी मुझे इसका एग्जैक्ट कलर एग्जैक्ट सारा कुछ याद होगा, वो इसलिए क्योंकि मुझे फोकस करने की आदत होगी। सो म्यूजिक थेरेपी के थ्रू आप लोगों की मेमोरी भी जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं म्यूजिक थेरेपी के जरिए, ठीक हो गया। अच्छा जी हमारे साथ सिंगर है इजीली, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कोई गाना सुनाए। क्या कौन सा गाना सुनाने वाले हैं? मैं नुसरत अली खान साहब के कवर सॉन्ग। जरूर मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माह जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, माह जमालों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए,
ماں جمالوں سے اللہ بچائے ہر بلا سر پہ آ جائے لیکن اس نے والوں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے ماں جمالوں سے اللہ بچائے سی چاند جیسا دل کے کالوں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے ماہ جمالوں سے اللہ بچائے بھولی صورت ہے باتیں ہیں بھولی منہ میں کچھ ہے مگر دل میں کچھ چہرہ ہنسی چاند جیسا دل کے کالوں سے اللہ بچائے مست نظروں سے اللہ بچائے ماہ جمالوں سے اللہ بچائے تھینک یو سو مچ یاسمین بہت شکریہ اینڈ تھینک یو سو مچ جیدی بہت شکریہ آپ لوگوں کا جناب آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل سیٹرڈے کا دن ہے کل ویکینڈ بھی ہوگا تو ابھی ہم آپ سے اجازت لیں گے اور ہمیں فیس بک پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا جاگو لاہور کے نام سے پیج ہے اور کل تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ